मैं जब खेलने आता हूँ तभी मेरे ऊपर पत्ते ही पत्ते गिराते रहता है। पापा को बोलता हूँ कि ये कटवा दो। पापा पापा इधर आओ, देखो ये पेड़ कटवा दो। पापा सुन ही नहीं रहे। जाता हूँ पापा को अंदर बुलाने। अरे बाप रे, ये अइनेश तो मुझे कटवाने की बात कर रहा है अपने पापा से। इंसान कैसा है, समझता भी नहीं है कि पेड़ कितने जरूरी हैं। अगर पेड़ होगा तो ही पृथ्वी पर जीवन होगा, बिना पेड़ के कहीं जीवन होता है? अरे अइनेश, अइनेश, मुझे कौन बुला रहा है? अरे ये तो स्पेस से आवाज आ रही है। हाँ मैं ही बोल रहा हूँ, क्या कर रहे हो? आपको मालूम है पेड़ कितने इम्पोर्टेंट है? पेड़ तो हमेशा कचरा गिराते रहते हैं। नहीं नहीं, हम अगर न हो तो आप भी नहीं रहोगे। अच्छा पेड़ हमें क्या देते हैं? हम तो आपको फल सब्जियाँ देते हैं। फल सब्जी देते तो क्या हुआ, हम बाजार से खरीद लेंगे। अरे अगर पेड़ ही फल सब्जी नहीं देंगे तो बाजार में कैसे आएगी? आओ आज मैं आपको बताता हूँ कि पेड़ इंसान के लिए क्या क्या करते हैं। क्या क्या करते हैं? मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा कि पेड़ कितना जरूरी है। इंसान हमेशा ही अपने फायदे के लिए सोचता है, वो कभी भी ये नहीं सोचता कि पेड़ से ही तो दुनिया चल रही है। पर इंसान है कि पेड़ों को काटता ही चला जा रहा है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो दुनिया भी नहीं होगी, ये बात इंसान क्यों नहीं समझता? हैं? तो फल सब्जी हमें कौन देता है? आज पेड़ काटने वाले आ रहे हैं, फिर हर रोज सफाई रहेगी, मैं आराम से खेलूंगा। अरे इंसान कब समझेगा, आज मैं आपको पेड़ों का महत्व समझाऊंगा। बताओ बताओ। आज मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मुझे कटवा दोगे तो आपको क्या क्या नुकसान होगा। इंसान के दोस्त होते पेड़, अगर पेड़ न हो तो इंसान भी न हो। पेड़ इंसान के सच्चे दोस्त हैं। कैसे अच्छे दोस्त हैं? बताता हूँ, पेड़ तो सिर्फ इंसान को देते ही देते हैं। क्या देते हो आप? पेड़ इंसान को फल सब्जी अनाज फूल रबर दवाई परफ्यूम और पूरी संसार की जितनी चीजें हैं सब पेड़ से ही मिलती हैं। इतनी सारी चीजें मिलती हैं पेड़ से? हाँ, और इन सब में जरूरी हवा और पानी है जो पेड़ ही देते हैं। पानी कैसे देते हो? पानी तो नल से मिलता है, नल देता है पानी। नहीं, नल में कहाँ से पानी आता है ये बताओ जरा। वो तो मुझे नहीं मालूम। बताता हूँ मैं आज, ये तो हुई पानी की बात, और दूसरी बात है पेड़ ही आपको हवा देते हैं। कैसे देते हो हवा? बताता हूँ। बताओ बताओ। बताता हूँ, ये मुझे बताओ कि आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हो? हाँ। करके बताओ ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। अच्छा आप बताओ, आपने ब्रीथ इन किया तो कौन सी एयर ली, मालूम है? नहीं मालूम। मैं बताता हूँ, जैसे ही आपने ब्रीथ इन किया आपने ऑक्सीजन अंदर ली, और जैसे ही आपने ब्रीथ आउट किया आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ा। आप ये बताओ, हर इंसान ऑक्सीजन लेता जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ जाएगा तो एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, अगर सभी इंसान कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ते जाएं और ऑक्सीजन लेते जाएं तो क्या ऑक्सीजन खत्म नहीं हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो फिर कैसे आएगी ऑक्सीजन हवा में? वो हम पेड़ ही देते हैं। कैसे देते हो? मैं बताता हूँ, हम पेड़ भी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं, हम भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पर पेड़ खाना भी बनाता है। कैसे बनाता है पेड़ खाना? हमारा भी एक किचन होता है। हमारा किचन मालूम है कहाँ होता है? हमारा किचन होता है ग्रीन लीव्स में। हैं? मेरे को तो कभी नहीं दिखा। आपको मैं आज बताता हूँ, ग्रीन लीव्स जो होती हैं, वो सन की लाइट लेकर और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले लेती हैं और उससे
हमारा खाना बनता है और यही खाना सब इंसान जानवर जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं सब यही खाते हैं। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और खाना बनाते समय उसको ऑक्सीजन में बदल देते हैं और यही एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आ जाती है। तो बताओ पेड़ इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? इम्पोर्टेंट, बट पानी कहाँ से आता है? वो भी बताऊंगा मैं, पहले मैं बताता हूँ। ये जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आती है वो पेड़ ही दे सकते हैं, सिर्फ वो भी हरी पत्तियों वाले पेड़। मालूम है आपको? नहीं मालूम। अब तो मालूम पड़ गया ना? तो अब आप पेड़ों की कद्र करोगे कि नहीं? करूंगा। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ पानी हम कैसे आपको देते हैं। आप जो पानी पेड़ों में डालते हो या फिर जो पेड़ जंगल में होते हैं, वहाँ कोई पानी डालने जाता है क्या? नहीं नहीं। तो हम जमीन से पानी लेते हैं और यही पानी हमारी पत्तियों से उड़ उड़ कर ऊपर आसमान में चला जाता है वाटर वेपर्स के रूप में, और ये वाटर वेपर्स वहां पर जाकर क्लाउड्स बना देते हैं। जो आप क्लाउड्स देखते हो ना, हाँ? ये क्लाउड्स जो है ये वाटर वेपर्स हैं जो हमारी पत्तियों में से उड़कर गया है, और जब ठंडी हवा इन क्लाउड्स को टच करती है तो ये वाटर वेपर्स पानी की बूंदों में बदल जाते हैं, वाटर ड्रॉप्स बना लेते हैं। और वाटर ड्रॉप्स कहाँ गिरती है? हमेशा नीचे गिरती है कि ऊपर जाती है? नीचे। हाँ, तो ये होकर वापस पृथ्वी पे आ जाती है और ये पानी पृथ्वी में चला जाता है। इस तरह हम पानी आपको लौटा देते हैं और जमीन के अंदर जो पानी रहता है वो आप ट्यूबवेल से या किसी भी माध्यम से अपने नल में लेकर आपका काम करते हो। आपको पानी किस किस काम के लिए लगता है बताओ? कुकिंग। हाँ, कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, अपना घर क्लीन करने के लिए, नहाने के लिए, सब कुछ के लिए पानी लगता है कि नहीं? सब कुछ के लिए लगता है। हाँ, तो ये सब पानी आपको कौन लौटाता है? पेड़। तो पेड़ इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? आज से आप पेड़ों की कद्र करोगे कि नहीं? करूंगा। समझ में आया आपको कि हवा और पानी पेड़ कैसे देते हैं? अब आप पेड़ कटवाओगे? नहीं। अरे मुझे तो मालूम ही नहीं था कि आप तो हमारे ट्रू फ्रेंड हो। अरे जल्दी जल्दी मेरे को अंदर जाना है। क्यों? मेरे को पापा को बताना है कि इस पेड़ को हम नहीं काटेंगे। सही बात है। और एक और बात बोलना पापा को, हम लोग सब एक एक पेड़ और लगाएंगे। एक एक पेड़ और लगाने से क्या होगा? बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी और बहुत बारिश होने लगेगी, इसलिए इंसान को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए जिससे हवा भी शुद्ध हो जाए और पानी भी पृथ्वी पर बहुत आ जाए। ये बताओ अब नदियाँ सूख रही हैं कि नहीं? हाँ, इसीलिए क्योंकि लोग पेड़ काटते जा रहे हैं। आपने समझा कि हमें कभी पेड़ नहीं काटने चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने चाहिए। हर व्यक्ति को एक पेड़ लगाना चाहिए। लगाओगी ना? प्रॉमिस करो कि आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओगी।